मुस्तफ़ा नाश्ता कर लिया आपने? क्या किया? डूब गया। अच्छा, कैसे लगी थी मुस्तफ़ा ये आपको? अच्छी है। फिर आप गिनती करो। नहीं 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 नहीं, आप गलती कर दी इसने एक बार। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ योर होस्ट ज़ुहैब कियानी एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब खैरियत से होंगे, आपकी रात सुकून गुजरी होगी और आज का दिन खुशगवार गुजरेगा। गाइस, जो रात का मौसम था वो मैंने आपको कल वाले व्लॉग में दिखाया था। यहाँ पे हैवी रेनफॉल के बाद ओले भी पड़े थे और आज सुबह का मौसम आप देखें, मौसम इस तरह क्लियर है जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। रात को सब कुछ नॉर्मल है, धूप भी निकली हुई है। ये जो ट्रांजिशन होती है गर्मियों से सर्दियों की, वो इसी तरह होती है, लेकिन सर्दी बहुत है। वो जो ओले पड़े हैं उसकी वजह से बहुत सर्दी हो गई है। मौसम इतना ठंडा हो चुका है कि आज हम लोगों ने मोटी जैकेट्स पहनी हुई हैं। तो ये हमारे जानवर हैं जो कि दरख्त के तने को खा रहे हैं। ये ऊपर से अलग है, नीचे से ये तने का छिलका खा चुका है। गाइस, तो जानवरों का चारा देते हैं जानवरों को। ये सुबह सुबह राजा और रानी। गाइस, इसके लगाने से जानवरों को बहुत सपोर्ट मिल गई है। अंदर का मौसम अच्छा खासा गर्म हुआ हुआ है। बकरियों की अपनी बहुत हीट होती है, तो अंदर का मौसम गर्म है और बाहर सर्दी है, तो इसके लगाने से ये फ़ायदा हुआ है जानवरों के लिए। जानवरों का चारा तैयार हो चुका है। ये बबलू भाग रहा है, इसको पता है इसका चारा आने वाला है। जानवरों का चारा सुबह सुबह टाइम पे डाल देने से ये फ़ायदा होता है कि जानवरों का दिन अच्छा गुजर जाता है और फिर शाम को टाइम से चारा डाल देता है। जानवरों को सुबह का चारा डल चुका है, अब सुहेब को स्कूल छोड़ के आते हैं। हाफि सुहेब, सुबह सुबह मुस्तफ़ा साहब उठ गए हैं और अब उठ के गार्डन में आ गए हैं। नाश्ता भी नहीं किया होगा मुस्तफ़ा। नाश्ता कर लिया आपने? क्या किया? डूब गया। अच्छा, बस। और एग? एग नहीं खाया? एग नहीं खाया, खा लिया? गुड। पेट भर गया। पेट भर गया? ओ, शेम हो रही है, शेम हो रही है। अच्छा अच्छा, ऊपर से शेम नहीं होती, शर्ट से शेम नहीं होती, पैंट से शेम होती है। अच्छा ठीक। अच्छा, पैंट उतार के शेम होती है। रात को जब बारिश हुई है फिर ओले पड़े हैं। ओले पड़ने की वजह से यहाँ पे नीचे बहुत ज्यादा दरख्त के पत्ते गिर गए थे। सारे पत्ते नुमान सुबह सुबह उठ के उसने समेट दिए यहाँ पे, और बहुत सारे थे जो कि वो बाहर फेंक आया है। आप लोगों के लिए एक सरप्राइज़ भी है हमारे पास, जो कि आपको नेक्स्ट व्लॉग में मिलेगा, जो कि है हमारा न्यू पेट। अब वो न्यू पेट हम आपको कल के व्लॉग में दिखाएंगे कि वो कौन सा है, क्या है। काफ़ी अरसे का इंतज़ार हुआ है उसका, अब फाइनली वो प्रिपेयर्ड हो गया हमारे पास आने के लिए। वो कल सुबह आ जाएगा हमारे पास, तो जैसे ही आएगा हम आपको दिखाएंगे। बहुत सर्दी लग रही है आपको? तो लग रही है। क्यों पसीने दिलवाए आज? हमारे पास एक सरप्राइज आपके लिए। क्या सरप्राइज है सहेब, कुछ बताओगे या सरप्राइज ही रखोगे? भाई सरप्राइज ही रखूंगा। गाइस, मुस्तफ़ा को आज चोट लगी है। ये मुस्तफ़ा को चोट लगी है। मुस्तफ़ा आज गिर गए भागते भागते, यहाँ पे गिरे हैं जिसकी वजह से इसे चोट लगी है। फ्लैशबैक। कैसे लगी थी मुस्तफ़ा ये आपको? अच्छी है। फिर आप गिनती करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 लाइट्स है।
मुस्तफ़ा की आपने चोट देखी और वो चोट लगी उसको इस तरीके से कि मैं बाहर गया हुआ था, मैं बाहर से वापस आया हूँ, बस मैं इस गेट से एंटर हुआ हूँ। जैसे ही मैं गेट से एंटर हुआ हूँ तो मुस्तफ़ा यहाँ से भागता हुआ आ रहा था मेरे पास, तो भागता हुआ आ रहा था, मैं उसको देख रहा था। वो डायरेक्ट आकर ना उसका पैर फंसा है यहाँ पे, यहाँ पे फंसने के बाद वो यहाँ सामने गिरा है और उसका सर बिल्कुल सामने ईंट पे लगा है, जिसकी वजह से उसका माथे का ये वाला हिस्सा था वो खुल गया, उस पर कट आ गया। तो उसी वक्त पायोडीन और कपड़े से हमने उसके माथे पे दबाया ताकि उसका ब्लड रुके, फिर मैं उसको फौरन हॉस्पिटल लेकर गया हूँ। फिर उन्होंने स्टिचेस लगाए, तो दो स्टिचेस लगे हैं उसके, बस अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि उसको बस इतनी लगी है कि वो इन दो टाँकों से इंशाल्लाह उसकी जो भी चोट है वो ख़त्म हो जाएगा। अल्लाह ताला सबके बच्चों को महफूज रखे, ये एक अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट था, ये किसी के साथ भी हो सकता है। One hour later. ये हमारे जानवरों ने आज टारगेट इस पौधे को बनाया हुआ है और इसको ख़राब कर रहे हैं। जानवर रखने का ना एक ये बड़ा मसला है कि जो छोटे पौधे होते हैं उनको ये जीने नहीं देते। ये मारने के लिए आ रहा है। क्यों मार रहे हो भाई? दो बार पीठ में मारा है। किसने मारा है आपको? मुस्तफा साहब? अभी और लगेगी उस चोट पे। उस चोट पे तो नहीं मार यार। गाइस हम लोग एक आज गेम खेलने लगे, मैं अंपायर हूँ। गेम इस तरीके से है कि ये दो बास्केट्स हैं और हमारे गार्डन में इस वक्त बहुत सारी मौसमियाँ गिरी हुई हैं, जो इमेच्योर मौसमियाँ होती हैं और वो इन दरख्तों पे लगी होती हैं और वो गिर जाती हैं, तो ये यहाँ बहुत सारी ऑलरेडी गिरी हुई हैं। तो सुहेब और मुस्तफ़ा उनको पिक करेंगे और अपनी अपनी बास्केट्स में डालेंगे। ये ब्लैक वाली बास्केट सुहेब की है और वाइट वाली बास्केट मुस्तफ़ा की है, तो जो ज़्यादा से ज़्यादा मौसमियाँ डालेगा वो जीत जाएगा। सो गाइज अभी हम गेम स्टार्ट करने लगे, 3 2 1 गो। आपके भी ज्यादा हो जाएंगे। भाई की यहाँ डाल लोगे चुपके से? भाई आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, भाई आ रहा है। भाग 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 जा, भाग जा। नहीं 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 नहीं, आप गलती कर दी इसने, एक वापस रखो। चलो जाओ अपनी, चलो 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 मुस्तफा, जाओ 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 अपना अपने लेकर आओ, जाओ जाओ मुस्तफा भाग के जाओ। अच्छा नेल्स निकाल रहे हो अपना? वो तो नेल्स निकाल रहे, कह रहे झूठ बोल रहे। चलो जाओ, चलो चलो चलो, लेकर आओ लेकर आओ लेकर आओ। मेरे पे दो और, ये तीन लग गया। तीन भी नहीं है तो चार लेकर आ रहे। वाह मुस्तफा, अच्छा 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 मुस्तफा ये लो, ये रहा एक मेरा, एक भाई, एक आपका, एक गंदा, ये लो मुस्तफा। जल्दी आ जाए, टाइम ओवर होने वाला है, टाइम ओवर होने वाला है, जल्दी से आ जाओ मुस्तफा, टाइम ओवर होने वाला है, जल्दी से आ जाओ, ये लास्ट है आपका। हो गया ओके, अभी काउंट करेंगे। तो गाइस अब हम इनके बास्केट्स काउंट कर लेते हैं, किसकी बास्केट ज़्यादा भरी हुई है। मुस्तफ़ा की पहले काउंट करते हैं, तो मुस्तफ़ा के हैं 1 2 3 10 11 12 13 14 15 20 21 22 23, मुस्तफ़ा के 23 हैं। चलिए अब सुहेब के काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 16 17 18 19 4 25 26
29 सोहेब विन कर गया भाई। सोहेब विन, सोहेब जीत गया। मुस्तफा मैंने? आप भी जीते, आपको 500 मिलेंगे, सोहेब को 1000 मिलेंगे। कितने चाहिए आपको? 1000। सुहेब के 1000 हो गए, मुस्तफा आपके 500। गाइस शाम के 5 बज गए हैं, बकरों के चारे का टाइम हो गया है, उनको जब तक चारा डालते हैं, सुहेब जब तक पढ़ रहा है, जब तक हम अपने बकरों को चारा डाल देते हैं, क्योंकि 15 से 20 मिनट बाद मगरिब भी हो जाएगी। गाइस जानवरों का चारा तैयार हो चुका है और कारी साहब भी फ्री होने वाले हैं, फिर आराम करेंगे, मगरिब भी होने वाली है, कोई 10-15 मिनट रह गए मगरिब में। सो गाइस रात हो गई है, मगरिब हो चुकी है, सुहेब साहब चले अंदर, मुस्तफा ऊपर देख लिया, रात होने वाली है, चलो। One hour later. So guys, रात हो चुकी है, बच्चे मेरे दोनों सो गए, मुस्तफ़ा को आज चोट लगी थी जिसकी वजह से उसको थोड़ी सी कमज़ोरी हो रही थी, तो उसको दूध शूध पिला के उसको सुला दिया, उसकी चोट पे पॉलीफेक्स कहा था डॉक्टर ने लगाते रहिएगा, वो लगा के वो सो चुका है, तो अब मैं भी आराम करूँगा। आप हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा, और कोई सजेशन हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।